चुनाव आयोग ने शनिवार को 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों और बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। 2013 के चुनाव में भाजपा ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस को करारी मात दी थी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर कांग्रेस का सत्ता वापसी का सपना तोड़ दिया। 5 राज्यों में कब होगा मतदान, कब आएंगे नतीजे और साथ ही साल 2013 में विभिन्न दलों की स्थिति जानिए। विज्ञापन। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। 9 नवंबर नामांकन का आखिरी दिन। 14 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। 28 नवंबर को होगा मतदान। 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 16 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 23 अक्टूबर को नामांकन का आखिरी दिन। 26 नवंबर को नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन। 12 नवंबर को होगा मतदान। 11 दिसंबर को नतीजे आएंगे। दूसरे चरण की 72 सीटों का कार्यक्रम। 26 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी दिन 2 नवंबर 2018। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन 5 नवंबर 2018। मतदान की तारीख 20 नवंबर 2018। 11 दिसंबर 2018 को नतीजे आएंगे। 2 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन का आखिरी दिन 9 नवंबर 2018। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन 14 नवंबर 2018। मतदान की तारीख 28 नवंबर 2018। 11 दिसंबर 2018 को नतीजे आएंगे। इलेक्शन स्टेट वाइज तेलंगाना। विधानसभा चुनाव 2018। 12 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन का आखिरी दिन 19 नवंबर 2018। नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन 22 नवंबर 2018। 7 दिसंबर 2018 को होगा मतदान। 11 दिसंबर 2018 को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों और बाकी 4 राज्यों में एक ही चरण में मतदान होगा। चुनाव आयोग के इस ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। इलेक्शन 2018। 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार 15 साल से सत्ता में है। वहीं राजस्थानों में भाजपा ने 2013 में सत्ता में वापसी की थी। इलेक्शन 2018। इन 5 राज्यों में सबसे पहले मतदान छत्तीसगढ़ में होगा। यहां 2 दौर में मतदान होगा। पहले फेज में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 12 नवंबर को जबकि दूसरे फेज में 20 नवंबर को चुनाव होगा। छत्तीसगढ़ की सत्ता पर भाजपा 15 साल से काबिज है। डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री पद की कमान संभाले हुए हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और पूर्व कांग्रेस नेता अजीत जोगी के बीच गठबंधन के ऐलान के बाद मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। इलेक्शन 2018। 2 राज्यों मध्य प्रदेश और मिजोरम में 28 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में इस बार भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है। भाजपा 15 साल से सत्ता पर काबिज है और इस बार वोटरों में उसके प्रति नाराजगी देखी जा रही है। सीएम शिवराज सिंह से सामने सत्ता बचाए रखने की चुनौती है। बसपा ने कांग्रेस को झटका देकर शिवराज की चुनौती की थोड़ा कम जरूर किया है, लेकिन रास्ता आसान नहीं है। इलेक्शन 2018। राजस्थान और तेलंगाना में 7 दिसंबर को मतदान होगा। राजस्थान में भाजपा ने साल 2013 में कांग्रेस को हराकर सत्ता छीनी थी। इस बार कांग्रेस वापसी की पुरजोर कोशिश में है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत पूरा जोर लगाए हुए हैं। वहीं वसुंधरा राजे के सामने सरकार को बचाए रखने की बेहद कड़ी चुनौती है। तेलंगाना में टीआरएस और टीडीपी में कड़ा मुकाबला है। भाजपा और कांग्रेस भी मुकाबले में हैं। इलेक्शन 2018। चुनाव आयोग ने कहा कि 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 3 नवंबर होगी। इलेक्शन 2018। 11 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आएंगे। इस दिन जनता का फैसला सामने आएगा और 2019 के चुनाव का माहौल तैयार होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे बेहद अहम होंगे, जो बताएंगे कि 2019 में गठबंधन और चुनाव रणनीतियों की क्या सूरत होगी। न सिर्फ भाजपा और कांग्रेस बल्कि क्षेत्रीय दलों के लिए भी ये चुनाव नतीजे बेहद अहम होंगे। आयोग ने तारीखों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव में वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होगा। उम्मीदवारों को 28 लाख रुपये खर्च करने की छूट होगी।